Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 released real story based Hollywood thriller के बारे में जिसका नाम है House of Chains. इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों को दिखाते हुए जो अपने ही घर में कैदियों की तरह रह रहे थे. उनके हाथ में हैंडकफ्स था और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी. हम उनके बड़ी बहन को देखते हैं छुपके से एक भाई को ब्रेड का एक टुकड़ा देते हुए जो शायद पूरा दिन भूखा था. दूसरी तरफ उनका सबसे छोटा भाई बाहर उसका इंतजार कर रहा था. उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा था शायद, तो ये लड़की उसे लेकर किचन में जाती है, खिड़की का स्क्रू निकाल कर उसे बाहर भेजती है और फिर खुद भी उसी रास्ते उसके साथ भाग निकलती है. मगर क्यों? क्यों वो लोग अपने ही घर में ऐसे जानवरों की तरह रह रहे थे? क्यों उन्हें रात के अंधेरे में ऐसे छुपकर भागना पड़ा? इस सब के जड़ छुपी थी 20 साल पहले के एक हादसे में जिसके कारण से इस परिवार नाम के नरक की शुरुआत हुई थी. अगले सीन में हम सालों पहले उसी मनहूस दिन में पहुंच जाते हैं और मिलते हैं लौरा नाम के एक लड़की से जो रास्ते पर ऐसे ही एमलेसली इधर उधर भटक रही थी. देखने से ही काफी डिस्टर्ब्ड लग रही थी वो, ऐसे उसकी जिंदगी ही खत्म हो चुकी हो. कुछ तो जाने पर उसे एक हैंडसम यंग मैन दिखता है जिसका नाम टाई था. वो लोगों को बाइबल का पाठ पढ़ा रहा था और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को कोई अवतार मानता हो, शायद अपना कोई कल्ट क्रिएट करना चाहता था वो. लौरा को उसकी बातें अच्छे लगने लगते हैं तो वो वहीं रुक जाती हैं. उधर टाई की नजर भी उसी पर टिकी थी. ऐसे में एक और आदमी आकर किसी चीज की लालच दिखाकर लौरा को अपने साथ अपने टेंट में ले जाता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है. मगर सही समय टाई वहां जा पहुंचता है और लौरा को बचा लेता है. इससे होता ये कि लौरा के मन में इंस्टेंटली उसके प्रति एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है. उसे लगने लगता है कि वो इस बंदे पर भरोसा कर सकती हैं और उसके ठीक इसी माइंडसेट का फायदा उठाता है टाई. वो पूरी रात उससे ढेर सारी बातें करता है और उसके कमजोरियों को पहचान लेता है. उसे पता चलता है ये लड़की एक ड्रग एडिक्ट है, चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रही है. इसी एडिक्शन के कारण सब कुछ खो दिया है उसने. उसका परिवार, दोस्त, सभी से कॉन्टेक्ट टूट चुका है उसका. टाई बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था लौरा इमोशनली कितनी वल्नरेबल है, तो वो उसी का फायदा उठाता है. भगवान के नाम पे झूठ मूठ का दिलासा दिलाकर वो उसका ब्रेन वॉश करता है. उसे एहसास दिलाता है कि वो कितनी स्पेशल है और भगवान ने उसे एक बहुत ही स्पेशल मिशन के लिए भेजा है जो है उसके बच्चों की माँ बनना. वो दोनों मिलकर इस दुनिया को हेवन बना सकते हैं. इन बातों को सुनकर लौरा सच में उसके जाल में फंस जाती है और अपना घर परिवार भुलाकर उससे शादी कर लेती है. वो समझ नहीं पाती ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, किस जाल में फंसने जा रही है वो. अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ साल बाद और देखते हैं लौरा ऑलरेडी चार बच्चों की माँ बन चुकी है और फिफ्थ बस होने ही वाला है. दो लड़की मेडो एंड रिवर और दो लड़का रेन एंड प्रेरी. टाई अभी भी वैसा की वैसा ही है. लौरा के साथ साथ अभी तो वो अपने बच्चों को भी उल्लू बना रहा है, बाइबल के बातों का गलत मतलब निकालकर उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है. हम ये भी नोटिस करते हैं कि इन सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, व्हाइट, जिससे हम समझ पाते हैं टाई अपने कल्ट का सपना अपने फैमिली से पूरा करने की कोशिश कर रहा है. इस परिवार का कंट्रोल कम्प्लीटली उसके हाथ में है. वो लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इवन कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, वो भी टाई ही डिसाइड करता है. लौरा खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती. इवन वो अपने बच्चों को नहाने भी नहीं देता. कहता है जिसका सोल प्योर है उसे नहाने की जरूरत नहीं है, मगर इससे बदबू तो नहीं रुकती ना. इस कारण से स्कूल में भी बच्चों को ह्यूमिलेशन का शिकार होना पड़ता था, सभी उन्हें अवॉइड करते थे. बस एक दिन एक एंड्रिया नाम की लड़की खुद से आकर उनसे दोस्ती करती है. वो नोटिस करती है ये तीन भाई बहन टिफिन में बस एक हाफ सैंडविच और एप्पल लेकर आए हैं. उसे काफी अजीब लगता है इतना कम खाना. पूछने पर रेन कहता है उनके पापा ने कहा है कम खाना उनके लिए अच्छा है, इससे उनकी स्पिरिट और स्ट्रांग बनती है. लाइफ में पहली बार उन्हें कोई दोस्त मिल रहा था, इससे वो लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसे घर ले जाने की जिद करते हैं. इवन लौरा को भी मना लेते हैं वो. मगर एंड्रिया उनके घर के अजीबोगरीब रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में वाकिफ नहीं थी, जिस कारण वो टाई के कमरे में जाकर टीवी देखने लग जाती है और उसके साथ रिवर भी जाती है, जिसका परमिशन उन्हें बिल्कुल भी नहीं था. ऐसे में टाई घर लौट आता है और उन्हें देख लेता है और इसकी सजा भुगतनी पड़ती है लौरा को, क्योंकि उसने पहले ही मना किया था बच्चों को स्कूल भेजने से.
लौरा की मांग थी ये। टाई को तो पहले से ही लगता था घर के बाहर इतना समय बिताने से उनके बच्चे करप्टेड हो सकते हैं, बाहर की नेगेटिविटी उनके सोल को पॉल्यूट कर सकती है। आज वही हुआ ना। लाइफ में पहली बार आज उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को डिसोबे करने की जरूरत की, वो भी एक बाहर वाले के कहने पर। और उसे घर कौन ले आया? लौरा। इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। सजा के तौर पर टाई प्रेग्नेंट लौरा को व्हिप करता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। छोटे से छोटे गलतियों के लिए वो यही सजा अपनाता था, क्योंकि उसका मानना था सिर्फ दर्द से ही सोल को प्यूरिफाई किया जा सकता है। लौरा भी इससे सहमत थी, इसलिए उसने भी कभी प्रोटेस्ट नहीं करी। टाई ने इतने सालों में इतने अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया था कि उसकी अपनी सोचने समझने की काबिलियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। फिर से एक बार वो टाई के जिद के सामने हार मान लेती है, बंद कर देती है अपने बच्चों का स्कूल जाना। इनफैक्ट टाई उन्हें कम्प्लीटली होम बाउंड कर देता है, दरवाजे पर ताला लगा के चाबी रख लेता है अपने पास और उनसे कहता है बाहर बहुत खतरा है, इसीलिए वो लोग सिर्फ तभी घर से निकल सकेंगे जब वो अपनी रक्षा करने के काबिल हो जाएंगे। मगर वो दिन अगले 7 साल में भी नहीं आता। इतने दिनों में ना वो लोग कभी घर से निकल पाए, ना कभी उन्हें पेट भरकर खाना मिला, ना कभी एक दिन के लिए भी वो चैन से जी सके। उल्टा टाई के हजारों रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में बचपन कहीं खो चुका था उनका। उनमें से कुछ इसी को सही मानकर टाई के रास्ते चलने लगे थे, जैसे लौरा, रेन एंड मेडो, मगर रिवर एंड प्रेरी नहीं। अपने पेरेंट्स के एक्सेंट्रिक बर्ताव से उन्हें बचपन से ही प्रॉब्लम थी। वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनके रूल्स को, मगर सजा के डर से उन्हें मानना पड़ा। इनफैक्ट 9 साल बाद भी कुछ भी बदला नहीं था, सिर्फ इस परिवार में और दो बच्चे ऐड हुए थे, फॉरेस्ट एंड समर। उनके साथ भी वही सब हो रहा था जो बाकी बच्चों ने सहा था। दूसरी तरफ टाई का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था, कहीं डेविल उसके परिवार को इन्फेक्ट ना कर ले, इस डर से उसने घर की सारी खिड़की और दरवाजे सील कर दिया था, जिससे घर के अंदर एक क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था। सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी बच्चों को। इससे बचने के लिए एक दिन फ्रेडी एक खिड़की खोल देता है, मगर उसके सजा के तौर पर उसे सबके सामने व्हिप किया जाता है, और फिर बिस्तर से उसका हाथ बांधकर उसे कमरे में लॉक कर दिया जाता है। साथ में मेडो को भी सजा मिलती है, क्योंकि उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, और फॉरेस्ट को, क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया था। मगर इतना सब कुछ करके भी टाई उनके अंदर के लॉजिकल माइंड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। हर एक बीतते दिन के साथ उनके अंदर पेशेंस कम होने लगा था, वो लोग सवाल उठाने लगे थे, स्पेशली जब सबसे छोटी बहन समर भूख के मारे तड़पते रहती थी, तब उनसे और देखा नहीं जाता था। वो छोटी सी बच्ची समझ नहीं पाती थी उनका फ्रिज पर ताला क्यों लगाया जाता है। रिवर को पता था माँ को कहने से कुछ नहीं होगा, तो वो खुद ही एक दिन उसका सलूशन ढूंढ निकालती है। अपने भाई फॉरेस्ट के साथ मिलकर एप्पल्स चुराती है और सभी को खिलाती भी है, सिवाय रेन के, क्योंकि वो अपने पापा के प्रति लॉयल जो था। मगर अगले दिन ही टाई को इस सब के बारे में पता चल जाता है, और वो मेडो एंड रेन को बुलाता है पूछताछ करने। टाई उन्हें डराता है कि अगर वो लोग नहीं बताएंगे तो वो समर को सजा देगा। इस मेडो मजबूर हो जाती है और रिवर एंड फॉरेस्ट का नाम बता देती है, मगर इसका नतीजा कितना भयानक होगा वो शायद उसने गेस नहीं किया था। टाई उन दोनों को बांध देता है और पूरे 7 दिनों तक उन्हें खाना देने से मना करता है, इवन उन्हें बाथरूम तक यूज करने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ मेडो और रेन से कहा जाता है बाकी ऊपर नजर रखने के लिए, बदले में उन्हें 2 स्मार्टफोन्स भी दिया जाता है, जिससे बाहर रहते वक्त भी वो लोग उनके जरिए घर में नजर रख सके, और उन्हें स्पेशल खाना भी मिलता है। उस हादसे के ठीक 3 दिन बाद प्रेरी अपनी रस्सी खोलकर निकल आता है और रिवर एंड फॉरेस्ट को आजाद करने की कोशिश करता है, मगर वो पकड़ा जाता है और उसकी सजा दुगनी हो जाती है। रस्सी की जगह अभी उसे चेन से बांध दिया जाता है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। मगर इस सबके बीच एक अच्छी चीज भी होती है, मेडो ऑनलाइन कुछ म्यूजिक वीडियोस देखती है और उसे पता चलता है कैसे इंटरनेट के जरिए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो 7 दिन बाद जैसे रिवर आजाद होती है, वो उसे ये फोन देती है यूज करने के लिए, इवन उससे गाना भी रिकॉर्ड करवाती है। उस वीडियो को देखकर एक ट्रिस्टन नाम का लड़का उससे कॉन्टैक्ट करता है, रेगुलर बात करने लगते हैं दोनों, और उससे रिवर को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलता है। पहले कुछ दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर एक दिन लौरा उनकी कन्वर्सेशन सुन लेती है, मगर वो टाई को कुछ नहीं बताती, थैंकफुली इतना दिमाग तो था उसमें।
मगर टाई इतने सालों बाद भी उसे कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट किया जा रहा था। एक दिन वो उसे उसके पिता के डेथ के बारे में बताता है, मगर वो उसे ये नहीं बताता कि उन्होंने मरते दम तक लॉरा को याद किया था, उसके लौटने का इंतजार किया था। टाई का इंटेंशन था लॉरा को लोनली फील करवाना, जिससे वो कमजोर फील करे। उसे लगे कि इस घर के बाहर उसका कोई वजूद ही नहीं है और कोई प्यार नहीं करता उससे। होता भी एग्जैक्टली यही, मगर इससे लॉरा के अंदर एक अजीब तरह की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा हो जाता है, जो वो निकालती है अपने बच्चों पर। एक दिन फॉरेस्ट के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा था, तो वो वॉशरूम जाता है, मगर पानी की आवाज से लॉरा को लगता है कि वो नहाने गया है। इससे वो नाराज हो जाती है और उसे बहुत मारती है, उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती वो। इधर रिवर और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो ट्रिस्टन को कॉल करती है और उससे अपनी कंडीशन शेयर करती है। जो जो उसके पापा ने उसे बताया था सब बताती है, और ये सब सुनकर ट्रिस्टन तो हैरान हो जाता है। वो रिवर से डायरेक्टली कहता है कि ये सब सही नहीं है, उसे इसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहिए या किसी ऐसे शख्स के पास जो उसकी मदद कर सके। उसने काफी बार रिवर के गाने के बैकग्राउंड में चर्च की घंटी सुनी थी, जिसका मतलब था उनके आसपास ही कोई चर्च है, तो वो रिवर को वहीं जाने के लिए कहता है, या फिर अगर वो उसे अपने एड्रेस दे पाए तो वो भी पुलिस को भेज सकता है। यहाँ पर ट्रिस्टन का इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था, वो प्योर हार्टेड था, मगर टाई ने रिवर के दिमाग में इतना भूसा भर रखा था कि इस तरह से सबके खिलाफ ब्रेन वॉश किया था कि रिवर को उल्टा यही बातें गलत लगने लगती है। टाई ने हमेशा से उनसे कहा था कि पुलिस असल में डीमंस का ही एक और रूप है, और चर्च वहां पर भी सभी असल में सैतान के स्लेव्स है, मुखौटे के पीछे छुपे लोगों को गलत रास्ते भेजता है, वो लोग सेफ है तो सिर्फ घर के अंदर। ऐसे में ट्रिस्टन की उल्टी बातें रिवर कैसे मान लेती। उसे लगने लगता है वो भी सैतान स्लेव है, उसे इंट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नाराज हो जाती है और उसे फिर कभी कॉन्टैक्ट करने से मना करके फोन काट देती है। उधर ठीक इसी समय टाई भी उसकी कन्वर्सेशन सुन लेता है और फोन तोड़ने के साथ साथ उसे और मेडो को चेन से बांध भी देता है, बिल्कुल फ्रेडी की तरह। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, देखते देखते क्रिसमस आ जाता है, मगर इन लोगों की हालत में कोई बदलाव नहीं आता। टाई ने फॉरेस्ट को भी चेन से बांध दिया था, वो बेचारा दर्द से हिल नहीं पा रहा था, मगर कोई उसके बात पर गौर भी नहीं करता। रिवर एंड मेडो आजाद होने के बाद भी जब देखते हैं कि फॉरेस्ट की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, तो वो अपने पिता से कहने की कोशिश करते हैं, मगर जवाब में टाई सिर्फ कुछ होममेड ऑयल्स लगा देता है और उसे खाना देने से मना कर देता है। सिर्फ दिन में एक बार उसे इतना खाना मिल रहा था कि उससे ही बीमार पड़ रहा था बेचारा। सबसे रिवर समझ जाती है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने किताब में पढ़ा था ये सिम्टम्स अपेंडिसाइटिस के हैं, अगर इसे सही समय ट्रीट किया नहीं गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। रिवर अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी, तो वो एक डेंजरस रिस्क लेने की डिसाइड करती है। वो रेन से कहती है गैराज से उसे एक स्क्रू ड्राइवर लाकर देने के लिए, जिससे वो खिड़की का लॉक खोलकर फॉरेस्ट को लेकर भाग सके। उसने बहुत ध्यान से चर्च बेल की आवाज सुनी है, उसे पता है चर्च किस तरफ है और उम्मीद भी है कि वहां किसी न किसी से उसे मदद तो जरूर मिल जाएगी। तो रात होते ही वो फॉरेस्ट को लेकर उसी तरफ भागने लगती है, मगर रेन ज्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख पाता, टाई को बता देता है और टाई और लॉरा उसी वक्त उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। रिवर के लिए आसान नहीं था 9 साल बाद रास्ते पर निकल के चर्च को ढूंढ निकालना, फिर भी वो भागती है, बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स की नजरों से बचकर पहुंच जाती है चर्च के दरवाजे तक, मगर दरवाजा तो बंद था। वो लोग पागलों की तरह मदद के लिए पुकारने लगते हैं, मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। फॉर्चुनेटली ठीक तभी वहां से एक पुलिस गाड़ी गुजर रही थी, तो वो लोग उन्हें देखकर रुक जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जिन्हें बचपन से सिखाया गया था कि पुलिस डीमंस होते हैं, वो लोग उनका सामना कैसे करते, डर से ही हालत खराब हो जाती है उनकी। और जब वो लोग अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताने की कोशिश भी करते हैं, तो उनकी अजीबोगरीब बातें सुनकर एक ऑफिसर को लगता है इनके दिमागी प्रॉब्लम है। इतने में टाई और लॉरा भी वहां पहुंच जाते हैं, और टाई पुलिस से कहता है कि उनके बेटे का कुछ मेंटल इश्यूज है, जिस कारण से वो कभी कभी ऐसे ही अपने भाई को लेकर निकल पड़ती हैं। इट्स जस्ट अ गेम। एक ऑफिसर तो इन बातों पर यकीन भी कर लेता है, मगर दूसरा ऑफिसर नहीं। वो इनफैक्ट रिवर से पूछती भी है, लेकिन रिवर भी बहुत घबरा चुकी थी, वो समझ नहीं पाती ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ही वापस चली जाती है। मगर वो लेडी ऑफिसर, उसे ऑलरेडी शक हो चुका था, तो वो जाने से पहले टाई से उसका आईडी मांग लेती है।
इससे टाई भी समझ जाता है कि वो खतरे में आ चुका है, उसका भांडा फूटने वाला है। तो वो घर जाते ही सबको भागने के लिए तैयार होने को कहता है। सामान पैक करने का तो वक्त नहीं था, इसीलिए सिर्फ चेन एंड लॉक्स को एक गाड़ी में छुपा देता है, जिससे पुलिस अगर घर को सर्च करे भी तो उन्हें एब्यूज या टॉर्चर का कोई सबूत ना मिले। वो उसी रात पूरे परिवार के साथ कहीं और भागने वाला था, मगर उससे पहले ही वो लेडी ऑफिसर एक चाइल्ड केयर एजेंट को लेकर हाजिर हो जाती है और घर की हालत देखकर उनका शक और स्ट्रांग हो जाता है कि ये बच्चे नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। मगर उनके पास वार्डन नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। टाई उन्हें भगा देता है, मगर उसे ये भी पता था कि ना वार्डन पाने में उन्हें ज्यादा देर लगेगी, ना तब उसका झूठ उन्हें रोक पाएगा। इसीलिए वो उसी वक्त सबको गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है। मगर तब तक उधर फॉरेस्ट के अपेंडिसाइटिस बर्स्ट कर चुका था, उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा था। उसकी हालत देखकर तो लॉरा भी घबरा जाती है। वो खुद अपने बच्चों से कहती है 911 पे कॉल करके मदद बुलाने के लिए, मगर इस हालत में भी टाई राजी नहीं होता, उसे बस भागना था। मगर लॉरा कहीं नहीं जाती, लाइफ में पहली बार वो टाई के खिलाफ आवाज उठाती है, इवन रेन भी। फाइनली उसे सही गलत में फर्क दिखाई देने लगा था, वो समझ चुका था उसके पिता कोई अवतार नहीं है, उसका हर एक काम सही नहीं है। तो वो उससे फोन छीनने की कोशिश करता है, मगर इसका नतीजा होता है भयानक। ताई अपने ही बेटे को चाकू के नोक पर ले लेता है और सबको मजबूर करता है उसकी बात मानने पर। फाइनली उसका असली रूप सबके सामने आने लगा था, जिससे फ्रेडी बहुत नाराज हो जाता है और पागलों की तरह झपट पड़ता है ताई के ऊपर। वो शायद उसी वक्त उसका खून भी कर देता, लेकिन मेडो उसे रोक लेती है। टाई से उसका फोन छीनकर पुलिस को कॉल करती है। उधर रिवर भी भागती है बाहर अपने नेबर्स को बुलाने। फाइनली फॉरेस्ट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मगर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, कोमा में जा चुका था बेचारा। डॉक्टर को भी पता नहीं था उसका सेंस कब लौटेगा, आखिर लौटेगा भी या नहीं। उधर उनके पेरेंट्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर बस निग्लेक्टिंग चार्जेस पर। बाकी चार्जेस लगाने के लिए उन्हें बच्चों की स्टेटमेंट चाहिए थी, जो बच्चे देने के लिए राजी नहीं थे। एक्चुअली पूरा जीवन उन्होंने जिसे सच माना था, उसे ऐसे अचानक से गलत मानने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। रेन को तब भी लग रहा था कि उसके पेरेंट्स सही थे, और मेडोस और समर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अपना मुंह खोलने से भी डर रहे थे वो, क्योंकि अगर डेविल्स ब्रेथ उनके अंदर चला जाए, उन्हें इन्फेक्टेड कर ले तो क्या होगा। दूसरी तरफ प्रेडी वो सारे अब्यूज का डिटेल्स तो दे रहा था, मगर सबसे ज्यादा अब्यूज शायद उसी को झेलना पड़ा था। कई महीनों तक लगातार हैंडकफ्ड था वो, तो उसके वजह से सच में ही उसके अंदर कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स आ चुके थे। उसका स्टेटमेंट लीगली एक्सेप्टेबल नहीं था। बाकी थी तो बस रिवर, जिसे समझ नहीं आ रहा था कौन सही है और कौन गलत। तो वो फाइनली अपने माँ से ही पूछती है, और लॉरा उसे सही रास्ता दिखाती है, एटलीस्ट हिंट्स देती है। वो रिवील करती है कि उनके पिता ने कैसे बाइबल वर्सेस को यूज किया था उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए। इवन उसने तो कुछ वर्सेस चेंज भी किया था खुद से, सिर्फ उन्हीं लाइंस को रखा था जिससे उसे फायदा हो, जिससे उनके बच्चे उनके काबू में रहे, और बाकी पेजेस को हटा दिया था। और वो खुद सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो सालों तक चुप रही, मगर और नहीं, वो सजा के लायक है और उनके पिता भी। उसके बातों से फाइनली रिवर रियलाइज करती है कि सच क्या है। असल में तो वो सभी के सभी विक्टिम्स है उसके पिता के इगो एंड फैंटेसी का। उसकी सबसे पहली विक्टिम थी उनकी माँ। हाँ, उसे भी बहुत कुछ सहना पड़ा था, मगर धीरे धीरे वो भी उसी की तरह बन चुकी थी। अपने बच्चों को दर्द में देखकर भी चैन की नींद सो पाती थी वो, अपने बच्चों को खाली पेट रखकर भी खुद प्लेट भर भर के खा पाती थी। ये कैसी माँ है। ट्रायल में टाई और लॉरा को लंबे समय की जेल होती है और बच्चों को एक नई जिंदगी मिलती है। थैंकफुली कुछ दिनों के अंदर फॉरेस्ट का सीन्स भी लौट आता है और उसे भी फॉस्टर केयर में भेज दिया जाता है। फाइनली एक आजाद जिंदगी जी पाते हैं वो लोग। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात करते हैं इसके रियल इंस्पिरेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये हादसा कैलिफोर्निया में रहने वाले टर्पिन फैमिली के साथ हुआ था। डेविड एंड लुइस अपने 13 बच्चों पर ऐसे टॉर्चर किया करते थे, भूखे कैद रखते थे, उन्हें मारते थे। 2018 के शुरुआत में जब बात हद से बढ़ने लगी, तो उनमें से एक 17 साल की लड़की घर से भाग निकली और 911 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म भी किया। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, पुलिस को इस घर से टोटल 13 सिबलिंग्स मिले, जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 29 साल तक थी, जिन पर पता नहीं कितने सालों से यह टॉर्चर चल रहा था।
वक्त का तो कोई हिसाब ही नहीं था उनके पास। उनकी कंडीशन देखकर खुद ऑफिसर्स भी हैरान रह चुके थे। कोई पेरेंट्स आखिर अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस समय काफी पॉपुलर हुआ था ये केस, कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनी थी। सभी को जस्टिस चाहिए था, जो उन्हें मिलता भी है। मिस्टर एंड मिसेस टर्पिन को 25 साल की जेल होती है और उनके बच्चों को मिलती है उस नरक से आजादी। मगर क्या एक्चुअल में वो कभी उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे, भुला पाएंगे उन दिनों को? गॉड नोस। आई रियली होप बाकी की जिंदगी उन्हें कभी ऐसा कुछ फेस करना ना पड़े, वो लोग खुश रहे, जहां भी रहे आजाद रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।